नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया की खास सीरीज फ्रॉम द इंडस्ट्री में आज हमारे साथ शिप्रा जी जुड़ी हैं, जो कि बॉस एंड बॉस कंपनी की एमडी हैं और को फाउंडर हैं एक पब्लिक रिलेशन कंपनी कॉलम इंफिस की, जो कि आईएमसी से डिप्लोमा करे हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं और करीब 10 साल से ज्यादा का इनको अनुभव है। ये उस समय से डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, जब डिजिटल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहा जाता था, उसको कंटेंट स्ट्रेटजी रोल्स कहा जाता था। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत शिप्रा जी आपका, आप हमसे जुड़े, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो शिप्रा जी, मेरा पहला सवाल यही है कि आपने जब अपना करियर शुरू करा, आप जब बता रहे थे 8-10 साल पहले, तो उस टाइम पे आपने अपना जो इंटर्नशिप है वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस में किया था और उसके बाद आपको लगा कि मुझे डिजिटल में ज्यादा इंटरेस्ट है, प्रिंट में इतना नहीं है। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग कैसा होता था। उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग जैसा कुछ था नहीं, जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। वी हैव सोशल मीडिया, वी हैव एडवर्टाइजमेंट मीडिया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मीडिया, वी हैव कंटेंट मार्केटिंग विच इज नाउ पार्ट ऑफ दिस। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ बाइफोकेशन नहीं था। तो मेरा कंटेंट में बहुत इंटरेस्ट था उस समय। जब वीडियो कंटेंट भी बनता था वो भी बहुत अलग बनता था, वीडियोज अलग। किसी को ये आइडियोलॉजी नहीं थी कि ये सब एक अम्ब्रेला के अंदर आएगा और वो डिजिटल मार्केटिंग बन जाएगा। सो उस टाइम पे मुझे कंटेंट में बहुत इंटरेस्ट था, क्रिएट करने में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक पर्सन के लिए या एक किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए कंटेंट कैसा होना चाहिए और उसे कैसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, सो उस तरफ से मुझे थोड़ा पिकअप हुआ। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट तब बिल्ड हुआ जब मैं वो कंटेंट पड़ा पड़ा किसी के पास पहुंच नहीं रहा था। इट नीड्स टू बी मार्केटेड। तो एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करने की भी स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रन करके ही डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। देर इज अ वे ऑफ डूइंग ऑर्गेनिक मार्केटिंग ऑल्सो, डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। सो ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग करके एक टर्मिनोलॉजी थी। जब मैं उस समय काफी ग्लोबल ब्रांड्स को फॉलो करती थी तो मैंने उनको स्टडी करा और तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ पुटिंग योरसेल्फ आउट और एनी एनी ब्रांड आउट। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्सप्लोर्ड मोर डिजिटल मार्केटिंग, दिस सबनेट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली, एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग दैट। तो मुझे कंटेंट से इंटरेस्ट बिल्ड हुआ और वहां से मैंने फिर पिकअप किया। सो दैट वाज द टाइम। पहले मुझे ये बताइए कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें लोग इन्वॉल्व कर देते हैं, जैसा कि आपने बताया इसमें एडवर्टीजमेंट भी है, सोशल मीडिया। अगर बहुत ही आसान शब्दों में बताया जाए तो डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? एग्जैक्टली दो टाइप की डिजिटल मार्केटिंग होती है, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सो बेसिकली ये जो एक अच्छा डिजिटल मार्केटर होता है उसको दोनों फॉर्म ऑफ मार्केटिंग पता होती है। अंतर ये होता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में ज्यादा पेड मीडियम्स का यूज नहीं होता है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इज नॉट वेरी हाई, एंड आपकी जो पेड मार्केटिंग होती है जिसे हम इनऑर्गेनिक मार्केटिंग कहती है, उसमें हर एलिमेंट में काफी पैसा लगता है। टू इन्वेस्ट मनी। सो अम्ब्रेला अगर डिजिटल मार्केटिंग का लो, एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एडवर्टाइज योर ब्रांड बेटर इन दी ऑनलाइन डोमेन इज डिजिटल मार्केटिंग। वो किसी भी रूप में हो सकता है बट वो ऑनलाइन होगा। सो दैट इज वॉट डिजिटल मार्केटिंग इज इन अ वेरी सिंपल लेमैन टर्म्स। मैम, क्योंकि समय बदल रहा है, खासकर जब से कोविड शुरू हुआ है तो लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ काफी काफी ज्यादा रुझान बढ़ रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, जी सब बिल्कुल, मोस्टली सब कुछ वेरी डिजिटल हो ट्रू। गया है, हम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद डिजिटल मार्केटिंग में कितना क्या फर्क आया? फर्क तो काफी आए। मेरे पास एज सच आई डोंट हैव द इंडस्ट्री डेटा, बट परसेंटेजेस नहीं है मेरे पास, बट मैं ऑब्जर्वेशनली आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया। मेरी कंपनी शुरू करने से पहले आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक रिलेशन फर्म। सबसे पहला शिफ्ट तो मैंने ये देखा था कि बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो ऑफलाइन बिजनेसेस होते थे वो हमारे पास आते थे, कहते थे प्रिंट पीआर चाहिए, प्रिंट पीआर चाहिए। तो सडनली देयर देयर डायरेक्टिव चेंज एंड दे सेड ऑनलाइन पीआर चाहिए। ऑल्दो
जब आप पीआर करते हो तो आप सारी चीजें लेके चलते हो, लेकिन आप देख रहे हो ट्रेडिशनल बिजनेसेस को वो अंतर भी नहीं पता कि पीआर कैसे होता है. दे जस्ट वांटेड ऑनलाइन पीआर. होते वही प्लेटफॉर्म्स हैं पीआर में भी, बट ऑनलाइन पीआर की तरफ रुझान जैसे ज्यादा था. और उस समय मेजर शिफ्ट ये आया, मेरे ट्रेडिशनल क्लाइंट्स दे वांटेड मोर ऑनलाइन पोजिशनिंग. एंड बहुत सारे एक पब्लिक रिलेशन फर्म की कोर कॉम्पिटेंसी पीआर में होती है, डिजिटल में इतनी नहीं होती है. डिजिटल के अंदर काफी वर्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन फर्म की होती है. सो यहाँ पर पब्लिक रिलेशन फर्म्स क्या कर रहे थे, मेजरली जो मिड सेगमेंट पब्लिक रिलेशन फर्म थे वो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन फर्म बनने लग गए, और जो ऑलरेडी उस ट्रांजिशन में थे वो और उसको जल्दी स्पीड अप करने लगे. सो अब आज की डेट पे देखोगे जो बहुत बड़े बड़े पीआर फर्म्स भी है ना, जो ट्रेडिशनली जाने जाते हैं, उन्होंने अपने इंटीग्रेटेड फर्म्स बहुत अग्रेसिवली लॉन्च कर दिए हैं. ओके, तो एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी कॉइन हुई थी जो पहले भी थी, जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, वो क्लियरली हर क्लाइंट जब हमें मेल करता था, मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट प्रोस्पेक्ट कह लो या क्लाइंट कह लो, वो यही लिखते थे कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर लुकिंग आउट टू यू नो एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. आई मीन व्हाट अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट कैन यू नो ऑफर देम. सो सो दिस इज द काइंड ऑफ चेंज दैट आई ऑब्जर्व जब ये हुआ स्पेसिफिकली. तो डिजिटल की तरफ बहुत जल्दी लोग पिकअप करने लगे, और आपने देखा भी होगा लिंक्डइन में भी यू नो लॉट ऑफ जॉब पोस्टिंग सडनली केम अप फॉर डिजिटल प्रोफाइल्स, एंड लॉट ऑफ ये प्रैक्टिसेस स्पेसिफिकली जैसे लिंक्डइन लर्निंग ने भी अपना डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस शुरू कर दिया. माइका ने अग्रेसिव अपना डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म अपग्रेड के थ्रू पुश आउट करना शुरू कर दिया. सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई ऑब्जर्व, एंड दीज आर ऑब्जर्वेशनल, बट आई कुड सी कि ये हो रहा है. आपने बात करी थी अभी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कि एक ऑर्गेनिक होता है एक इनऑर्गेनिक होता है, तो जो ऑर्गेनिक होता है जो कि काइंड ऑफ अनपेड होता है, तो उसमें क्या क्या सर्विसेज मोस्टली रहती है जो काम की रहती है? जी, सो ऑर्गेनिक में एक्चुअली एज अ ब्रांड ना, जो फाउंडर्स होते हैं या जैसे हम और आप भी हैं, बहुत ही सिंपल लेवल पे ये चीजें आप कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में सबसे पहले आपका जैसे कंटेंट हो गया, आप अपने ब्रांड कंटेंट गूगल के लिए हमेशा किंग रहा है. किसी भी सर्च इंजन के लिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. जब तक आप अपने यूजर को रेलेवेंट कंटेंट दे रहे हो वो आपके प्लेटफॉर्म पर आएगा. अब कंटेंट सिर्फ आपका वर्ड्स नहीं रह गया या ब्लॉग्स नहीं रह गया है, वो इन्फोग्राफिक नहीं रह गया. इन्फोग्राफिक जैसे बहुत पुराना हो गया है, अब आपके डायनामिक ग्राफिक्स हो गए, जिफ हो गए, शॉर्ट वीडियोस हो गए, ह्यूमरिस्टिक वीडियोस हो गए, यू नो कंटेंट बहुत बदला है. रिपोर्ट हो गई है, सर्वे हो गई है. आप अगर एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उनको उनके मतलब का कंटेंट भी दो, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में दो कि वो वहां इंगेज होके रुके. सो एक चीज होती है बाउंस रेट, उसको कम करने के लिए अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, इंगेजिंग है, तो फर्स्ट चीज हमेशा ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आपका कंटेंट रहेगा इन द वे यू प्रेजेंटेड. एंड कंटेंट भी जैसे एक वेबसाइट का फ्लो होता है, जैसे हम यूजर फ्लो कहते हैं, अगर वो बहुत सटीक है, बहुत अच्छा है, बहुत यूजर फ्रेंडली एक टर्म होता है वो है, तो आपका यूजर डेफिनेटली आपके प्लेटफॉर्म पे रुकेगा और आपके कंटेंट को कंज्यूम करेगा, जिससे बाउंस रेट कम होगा. सो दिस इज अ वेरी सिंपल यू नो ऑर्गेनिक मेथड ऑफ डूइंग ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग. उसके अलावा बहुत सारे और मेथड्स हैं. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम ब्रॉडर कैटेगरी बोलते हैं, वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक में ही आता है, जिसके अंदर इंटरलिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होते हैं, आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है, एल्गोरिदम लेवल पे अगर कोई चेंजेस होते हैं वो करते हैं, सर्च इंजिन्स के काफी अपडेट्स आते हैं उसके हिसाब से आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो. सो सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन इज द सेकेंड थिंग दैट वर्क्स आउट इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग. देर आर ऐसे ही दो तीन चीजें और हैं, ऑल्दो अब सोशल मीडिया का ज्यादा रोल नहीं रहा है, बट सोशल मीडिया आपका रेफरेंस क्रिएट करता है. तो आप अगर एक अच्छी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आप अच्छा कंटेंट, अगेन कंटेंट की बात आ गई, उसमें अच्छा कंटेंट आप
रेगुलरली डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एवरीडे 50 कंटेंट पीसेस आपने डाल दिए तो दैट इज अ गुड स्ट्रेटेजी, ऐसा कुछ नहीं होता. हफ्ते में आप दो तीन पोस्ट, लेकिन बहुत अच्छे पोस्ट डाल रहे हैं जो आपके यूजर के लिए हैं, दोज आर दीज आर कपल ऑफ थिंग्स दैट वर्क्स आउट. बट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग आपका तब होता है जब वेबसाइट क्रिएट होता है. जब आप वेबसाइट कोडिंग के थ्रू क्रिएट कर रहे होते हो, उसमें आप काफी काम ऐसा कर सकते हो जो आपको हेल्प करता है रैंक करने के लिए बेटर. सो ऑल दीज मेथड्स आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग. मैम, जो आपकी कंपनी है बॉस एंड बॉस कम्युनिकेशन, वो एक्चुअली क्या काम करती है? आपने मुझे समझाने की कोशिश की थी पर मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ हमारे दर्शक भी समझे कि आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली. श्योर. सो बोस एंड बोस कम्युनिकेशंस, शुरुआत में तो मैं एज ए पब्लिक रिलेशन फर्म ही उसे बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ, मेरी ऑलरेडी मेरी एक अच्छी फ्रेंड है सानिया, जिनकी ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट करती है कॉलम इंचेस, जो एक पब्लिक रिलेशन फर्म है. सो आई रियलाइज मैं उनके साथ कभी भी पार्टनर कर सकती हूँ एंड आई कैन कम ऑन बोर्ड विद देम. सो आई डिड दैट पार्टनरशिप फॉर पब्लिक रिलेशन फर्म, और मैंने बोस इन बोस कम्युनिकेशन को एज अ बी टू बी सेल्स कंसल्टेंसी फर्म बना दिया, विच इज बेसिकली मेरे पास अब काफी दूसरे दूसरे बिजनेसेस आते हैं अपने सेल्स साइकिल को फिक्स करने के. मैम, ये बी टू बी एक्चुअली है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस. सो मैं सिर्फ बिजनेसेस को केटर करती हूँ. सो मेरे पास एक, जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेस हो और आप मेरे पास आते हो और आप मुझे कहते हो कि शिप्रा मुझे मेरे सेल्स में यू नो आई हैव टू मेरे को अपना सेल्स अच्छा करना है, एंड सिंस यू आर इन द इंडस्ट्री हेल्प मी एनालाइज दिस एंड हेल्प मी गेट सेल्स. तो वैसे ही सिंस मेरा एक्सपर्टीज पीआर सेल्स में डिजिटल सेल्स में काफ़ी हाई है, तो मुझे काफ़ी पब्लिक रिलेशंस फर्म और काफ़ी डिजिटल फर्म्स मिलती हैं जो सेल्स के लिए मुझे ऑनबोर्ड करती हैं. So it is basically I help them close their sales. मैं उनको sales लाके देती हूँ और close करती हूँ, उनका funnel ठीक करती हूँ. और भी कोई consultancy sales side में उनको चाहिए होती है in terms of how to generate a lead, qualify कैसे करना है lead, funnel कैसे create करना है, all that I do. So this is what Bose and Bose Communications does. And off late हम लोग थोड़ा manufacturing और apparel sector में भी गए हैं, तो वहाँ की sales भी अब B2B सेगमेंट में हमने इंक्लूड कर लिया है. आपने बताया कि आप सेल्स को बढ़ावा देने में मदद करते हैं कंपनीज की, तो ये एक्चुअली तरीका क्या है, ये गुरु मंत्र क्या है जिससे कि आप सेल्स बढ़ा सकते हो, ये आज हम अपने दर्शकों के साथ ये भी जानना चाहते हैं. सो मेरा बैकग्राउंड हमेशा स्ट्रेटजी में रहा है और मैंने सेल्स बहुत की है. सो बेसिकली सेल्स का एक ही गुरु मंत्र है, बी ऑनेस्ट टू योर कस्टमर, एंड उनको ऐसा कुछ ऑफर मत करो जो उनको नहीं चाहिए, यू नो. एंड स्ट्रैटेजी सेल्स कभी भी बेच फोर्सफुली आप किसी को बेच नहीं सकते जब तक उनको, आपको पीआर के अंदर स्ट्रैटेजी सेल्स होती है मेजरली. इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ सर्विस. सो इफ यू आर नॉट शोइंग अ स्ट्रैटेजी और फॉर एनीथिंग फॉर दैट मैटर, यू नो, इफ यू आर नॉट गिविंग क्लाइंट अ स्ट्रैटेजी की ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐसा होने वाला है और आपको डिलीवरी में ये मिलेगा, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, तब तक क्लाइंट का वो ना, वो आ भी जाएगा ना तो वो रिटेन नहीं होगा. और सर्विस इंडस्ट्रीज सारी की सारी रिटेंशन पे चलती हैं. सो व्हाट आई हैव लर्नड इन ऑल माय एक्सपीरियंसेस, हैव लॉट ऑफ कंपैशन फॉर योर प्रोस्पेक्ट और योर लीड एंड गिव देम व्हाट दे वांट, एंड जबरदस्ती का उनको कुछ फोर्सफुली लेने के लिए मत दीजिए कि यू नो कि आपको बेचना है, एंड यू जस्ट टेक इट. इट शुड बी गुड फिट फॉर द क्लाइंट. सो दैट इज व्हाट हैज वर्कड आउट फॉर मी. दिस इज द ओनली गुरु मंत्र जो मैंने अभी तक वो किया है. सो मैं यही सबको एडवाइस करती हूँ. मैम, आपने स्टार्टिंग में आप चाहते थे कि आप पीआर कंपनी खोले और बाद में आपने डिसाइड करा कि ठीक है मैं B2B में ही जाना चाहती हूँ, तो इसका रीजन क्या था, why you didn't want to opt for public relations? दो मेजर रीजन थे. मुझे हायरिंग को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छे फिट नहीं मिल रहे थे मुझे बहुत. सो पैंडेमिक में हुआ क्या था कि बहुत सारे, मैंने पहले खोला ही अपना बिजनेस पैंडेमिक में, शुरू ही तब किया. बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स आ रहे थे, दे वर डेस्परेट फॉर जॉब्स, यू नो, बट दे वर नॉट अ मैच. तो बहुत मेरे को हायर करने में ही बहुत टाइम लग गया और मेरे पास काफी ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट्स थे जो जो वांटेड टू यू नो स्टार्ट देयर वर्क. सो
मुझे मुझे रियलाइज हुआ जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, टाइम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से और हर पर्सपेक्टिव से वो बहुत ही ज्यादा यू नो एग्जॉस्टिव टास्क हो रहा था मेरे लिए, यू नो फिल्टर करके सबको वो करना. और B2B सेल्स वाले, उसमें मुझे ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं थी और सेल्स बैकग्राउंड के लोगों की ही जरूरत थी, तो वो ऐसी चीज थी मैं इजीली कर पा रही थी. तो ये डिसीजन मैंने फर्स्टली, एक तो हायरिंग फिट, और प्रॉबली आई एम नॉट अ वेरी गुड पर्सन टू हायर पीपल, उस चीज की वजह से मैंने, फर्स्ट रीजन ये था. सेकेंड रीजन ये था कि मुझे, आई ऑलरेडी न्यू दैट यू नो कॉलम इंचेस इज देयर, आई कैन ज्वाइन दैट फॉर्म एंड आई कैन पैरेलली टेक केयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो. सो वो कॉन्वर्जेशन मैंने शुरू कर दी थी, इसलिए मुझे कोई नीड नहीं लगी कि एक और PR फर्म क्यों खोलनी है, यू नो. सो दैट इज द थिंग. तो ये दो रीजन, मेजर रीजंस थे नॉर्मली मैंने. पेंडेमिक में लोग अपनी कंपनीज बंद करके घर पे बैठे हैं। आप बोल रहे हो कि मैंने पेंडेमिक में अपनी कंपनी शुरू कर दी, जी. तो पहले तो मुझे बताया कि कितने सारे चैलेंजेस आए थे काम करने में। और ये और दूसरा जो चीज है वो जरूरी ये है जाननी कि आपने पेंडेमिक में ही सोचा क्यों कि चलो अब शुरू करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बिजनेस भी नहीं आ रहा है, लोग भी बाहर नहीं निकल रहे। नहीं, सो PR का बिजनेस काफी अच्छा पिकअप हुआ था. इनफैक्ट एडवर्टाइजिंग, और दिस इज ऑल ऑब्जर्वेशनल, मेरे पास अगेन डेटा रेफर करने के लिए नहीं है. मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें PR में बिजनेस अच्छा मिल रहा था. बहुत लोग अब PR को, PR इज नॉट लाइक योर एडवर्टाइजमेंट प्रशांत, यू नो, जहाँ पे आपने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, करोड़ों करोड़ों पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं और आप ROI ढूंढ रहे हो कि भाई करोड़ में इन्वेस्ट किया है तो मतलब 10 करोड़ के ऊपर तो मुझे कुछ मिले. तो PR ऐसा नहीं होता है. PR में यू नो इट इज लाइक अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड इजी रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं. तो हमने सडनली देखा बहुत लोगों ने अपने एडवर्टाइजिंग बजट फ्रीज कर दिए. उस वजह से एक तरह से एडवर्टाइजिंग और एक तरह से अपने आप को पुट आउट करने का तरीका सिर्फ PR में रह गया था, जो कि काफी लोगों के बजट में था. ओके, सो हमें हमें वी सॉ अ गुड राइज इन पीपल कमिंग टू अस फॉर दिस. एजुकेशन, एडुटेक सेक्टर बहुत हेविली PR में इन्वेस्ट करने लग गया. हेल्थ केयर, हेल्थ टेक सेक्टर बहुत हेविली PR में इन्वेस्ट करने लग गया. सो हमने तो बहुत अच्छा राइज देखा इन टर्म्स ऑफ रिसेप्शन. एक तो बहुत टाइम बहुत अच्छा था मेरे लिए ये शुरू करने का, और दूसरा मेरे को काफी टाइम से था कि आई विल स्टार्ट दिस. एंड सो दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. व्हेन हम लोग वर्क फ्रॉम होम से ना, आई हैड टाइम टू लुक एट लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच अदरवाइज आई वुड हैव नॉट, एज ए यू नो व्हेन आई वाज डूइंग 9 to 6 मैं नहीं कर पाती. अब जब आप वर्क फ्रॉम होम पे होते, यू आई हैड मोर टाइम टू थिंक अबाउट लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, यू नो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, करियर स्ट्रेटजीज. काफी लोगों से मेरी डिस्कशन उस समय शुरू हो गई थी. तो एंड समवन एडवाइज, देयर इज नेवर अ गुड टाइम टू स्टार्ट समथिंग, यू नो, जस्ट स्टार्टेड अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू. सो दीज वर कपल ऑफ एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स जिन्होंने शुरू कर चुका था, तो मुझे काफी मोटिवेशन मिला एंड देन आई स्टार्टेड इट. दैट वाज द ओनली. हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, आपदा को अवसर में बदले, तो आपने वो काम हाँ करके दिखाया है। जी, तो शिप्रा जी, मुझे ये बताइए कि आप यू बीइंग द एमडी ऑफ ए कंपनी, तो यू टोल्ड मी कि हायरिंग बड़ा मुश्किल हो रहा था, काम नहीं हो रहा था, लोग वैसे नहीं मिल रहे थे, फिट लोग नहीं मिल रहे थे काम के लिए। तो एमडी होने के साथ साथ आप एक कलीग भी होते हैं, आप सीखने की भी एक कोई उम्र नहीं होती। तो जी. इस दरमियान आपने क्या सीखा बीइंग ए एमडी? आपको आपको क्या नई चीजें पता चली कि क्या क्या चैलेंजेस एमडी भी फेस करता है नॉर्मली? बहुत चैलेंजेस आप फेस करते हो, स्पेशली जब आप शुरू करते हो, यू नो. हमें ना किसी ने कभी किसी भी आपके सिलेबस में यू नो ये नहीं सिखाया कि कंपनी पॉलिसीज कैसी होती हैं, पेपर वर्क कैसे फाइल करते हैं. यू नो हम लोग 9 to 6 करे जा रहे हैं, अपनी उसमें लगे पड़े हैं, बट यू नो वी डोंट नो द बेसिक थिंग्स कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए पेपर वर्क क्या क्या लग सकता है एंड कितना टाइम उसमें जाता है. मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया था कि बहुत सारे वर्टिकल हैंडल करना, HR प्रोसेस से लेके अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. आप अभी भी काफी डॉक्यूमेंट्स मेरे टू एंड फ्रो चल ही रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से लेके यू नो देन
इंश्योरिंग कि एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्रिएट हो जिसमें आप रेगुलरली लोगों से बात कर रहे हो, काफी चैलेंजिंग हो गया था. इसलिए मैंने अपना बिजनेस मॉडल ही इसलिए चेंज कर लिया कि मुझे अब लीन काम चाहिए और मुझे ऐसी टीम चाहिए जिसे मैं संभाल सकूं, तो मेरे लिए तो लर्निंग प्रोसेस काफी, लर्निंग कर्व बहुत बड़ा था. मैंने बहुत कुछ सीखा इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग पीपल भी. मैंने बहुत कुछ सीखा कि उन लोगों की कैसी एक्सपेक्टेशंस होती है. आप जब एक तो पैंडेमिक के सिचुएशन में पीपल ट्राई टू कन्विंस यू सो बैडली एंड द नीड यू अंडरस्टैंड ऑल दैट. तो वो सब मैंने काफी कुछ सीखा. एंड वेरिड प्रोफाइल्स थी प्रशांत, काफी वेरिड प्रोफाइल्स थी. तो उनके बैकग्राउंड, उनके बारे में, उन्होंने क्या, उनकी क्या जर्नी रही है, वो सारी लर्निंग्स भी मेरे लिए काफी अच्छी रही थी. एंड करेंटली मेरी सेल्स टीम, मेरी इम्प्लीमेंटेशन टीम, सर्विसिंग टीम, मेरी खुद की को फाउंडर, इन सबसे मुझे काफी लर्निंग्स मिलती हैं. इन उन्होंने अब तक कैसे सर्विस करा है, अभी तक कैसे काम करा है. सो दीज आर डेली लर्निंग्स दैट यू इवेंचुअली पिक अप फ्रॉम देम. सो यस, कीपिंग पेशेंस एंड कीपिंग बेसिकली ट्राइंग टू नो गेट इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई कोलीग्स एंड आई हैव अंडरस्टूड सो फार. सो या जी ठीक है शिप्रा जी, आपने बहुत सारे सवालों का हमें जवाब दिया. आपने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग, आपकी कंपनी क्या कर रही है, आपने पेंडेमिक में बिजनेस कैसे शुरू किया, कितना मुश्किल था शुरू करना. बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी. थैंक यू सो मच प्रशांत. Thank you.